श्रीमती सुलता देव जी बीजेडी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। जय जगन्नाथ। दिस इज नॉट ए प्रो पीपुल बजट, दिस इज एन एंटी पीपुल एंड प्रो कॉरपोरेट बजट, क्योंकि 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है और बाकी के 1% लोगों के पास 22% वेल्थ है, बाकी बच्चा तो क्या बच्चा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, गवर्नमेंट परस्यूइंग द पॉलिसीज फॉर द कॉरपोरेट मास्टर्स। हमारे ओडिया में एक बात है, गोदरा गोडरे माउंस लगिले शरीर की लाभ होइब, एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच, फंपा माठियार शब्द बेसी। ये जो बजट है ये जैसे लग रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। आप हमारे ओडिशा को बजट में डबल इंजन में डबल घाटा हुआ। ओडिशा में लोगों ने कितने विश्वास के साथ 20-20 सांसद को लोकसभा में निर्वाचित करके भेजे, मगर हमको कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला, हम खुश हैं। बिहार भी हमारे भाई है, आंध्र भी हमारे भाई है, ये काउंसिल सब स्टेट्स है, सबको मिलना चाहिए, उनको मिला, मगर हम क्या किए, हमारे साथ है सौतला व्यवहार क्यों, हमको क्यों 20-20 सांसद देने के बाद में हमको क्यों कोई भी स्पेशल पैकेज नहीं मिला, जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारा बहुत 20 साल से हमारा डिमांड है, क्योंकि सबको मालूम है ओडिशा एक नेचुरल कैलामिटीज फेसिंग स्टेट है, जहां 11 साल में 16 साइक्लोन और सुपर साइक्लोन आ चुके हैं। हमने बार बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है, ऐसा नहीं कि हम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो बनाए थे 2014 में संकल्प पत्र, उसमें भी उन्होंने रखा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लाएंगे। सरकार में तो आ गया, डबल इंजन हो गया, नीति आयोग में तो आए, बजट भी हुआ, मगर कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। मगर हम फिर भी आशा करते हैं कि आपका ध्यान ओडिशा के ऊपर रहेगा। हम फिर भी डिमांड करते हैं ओडिशा को देखिए, क्योंकि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना दिए तो कम से कम स्पेशल फोकस स्टेटस का मान्यता दीजिए और मैचिंग शेयर हमको ज़्यादा दीजिए। अभी भी हम ऐसा नहीं है, नहीं अभी भी तभी हमारा डिमांड था, जो था हम कर रहे थे, आज भी हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड क्या कर रहे हैं। और एक बात है सर, हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राष्ट्रपति जी एक आदिवासी है, हमारी मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, बहुत सारे ये सरकार में आदिवासियों के कार्ड खेले जा रहे हैं, मगर आदिवासियों के कार्ड खेलने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। सुनिए, मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं, मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है, क्योंकि क्यों मैं बोल रही हूँ आदिवासियों के लिए, हमारा पोलाभरम प्रोजेक्ट जो कि कोरापुट अनडिवाइडेड कोरापुट मालकानगिरी जिला का है, पोलाभरम प्रोजेक्ट अगर होगा तो उसमें 162 ग्राम जिसमें आदिवासी रहते हैं वो डूब जाएगा, वो सबमर्ज हो जाएगा, और हजारों से हजार एकड़ जो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डूब जाएगा। ये किस आदिवासी का बात करेंगे, ये भी तो आदिवासी है। हम लोग बार बार बोले हैं पोलाभरम बंद कीजिए, आंध्र कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ पोलाभरम में, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्यों, ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। ओडिशा अपने हक के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। मैं फिर भी और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर यह जुमला का जुमला रह गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट का नहीं मिला।
ठीक है, लोगों ने जो किया है उनको तो वही भुगतना पड़ेगा, मगर हम फिर भी अपना डिमांड रखेंगे। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि क्यों ये बजट प्रो पीपल नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान में बजट रिड्यूस हुआ है -18%, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में -9% रिड्यूस हुआ है, ICDS विच अफेक्ट ऑल द स्कूल चिल्ड्रंस उसमें -34% रिड्यूस हुआ है, मिशन आंगनवाड़ी रिड्यूस हुआ है -5%, PM पोषण रिड्यूस हुआ है -45%, PMJSY रिड्यूस हुआ है -47%। क्या सारे जगह में सड़क हो गया, सारे काम हो गए, आपने तो बजट रिड्यूस कर दिया, फिर कैसे बोल रहे हैं कि यह पूरा पीपल बजट है? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है ही नहीं, सीनियर सिटीजन के हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर इंश्योरेंस हो रहा है फिर इंश्योरेंस में 18% GST, ये कहाँ का बात है? ये हेल्थ को तो मिलना चाहिए, हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स के कारण हेल्थ में मिलना चाहिए बेनिफिट, में नहीं मिला, कोई इंश्योरेंस कंपनी कर नहीं रहा, अगर कर रहा है तो 18% GST ले रहा है, ये किस चीज़ का बात है? और एक बात हम बोलेंगे, ओडिया अस्मिता करके हम लोग वोट में गए, ओडिया पहले तो मैं बोलूँगी अस्मिता कोई वर्ड ओडिशा में, तो ओडिया अभियान मतलब डिक्शनरी में है नहीं, ये कहीं का हो सकता है हिंदी का, हो सकता है गुजराती का, किसी का अस्मिता हो, मगर अस्मिता को पकड़ के आप लोगों ने सरकार में अस्मिता के लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब ओडिया लैंग्वेज और ये करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान आपने नहीं बनाया कि सेपरेट दिया जाए, कब से नहीं बनाया। हाँ, ये संसद है, हम महामहिम राज्यपाल के को लेकर कुछ ही नहीं कह सकते, मगर राज्यपाल के बेटे को लेकर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके बेटे तो गवर्नर है नहीं। ओडिशा में कितना खराब लग रहा है, हम काउंसिल ऑफ स्टेट से हम किससे गुहारी करें, ओडिशा में क्या हुआ, तो उनके बेटे ने ललित दास ने एक ASO बैकुंठ प्रधान को 6 तारीख, एक मास पहले जुलाई 6 तारीख को इतना मारा, क्यों मारा? क्योंकि उनके लिए गाड़ी लग्जरियस गाड़ी नहीं भेजा गया, मगर कुछ नहीं हो रहा, इतना शर्मनाक बात है कि हमको भी बहुत खराब लग रहा है। और एक बात बोलेंगे, हाँ देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग चिल्लाइए, आप लोग को अच्छा लग रहा है, देखिए आप बोल रहे हैं आपने राम जी को लाए हम खुश है, आप कृष्णा जी को लाए हम और भी खुश है, मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे, मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। आपने मैं फिर भी बोलूँगी, एक काउंसिल सब स्टेट से इसके लिए आप हम लोग का जो प्रावधान है उसको देना चाहिए। एम्स के बारे में बोलेंगे, संबलपुर बालेश्वर, एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, संबलपुर बालेश्वर कोरापुट ये हमारे पिछले, ये आदिवासी जिला है, कोई पश्चिम ओडिशा है, कोई उत्तर ओडिशा, कोई कोस्टल ओडिशा है, हमने बार बार डिमांड किया है एम्स के लिए, मगर हमको एम्स नहीं मिल रहा है। और ये कल स्टार क्वेश्चन जब आया था, माननीय मंत्री महोदया बोल रही थी 22 सैंक्शन हुआ है, मगर उसमें ओडिशा का कुछ नहीं है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ओडिशा को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। एक मिनट सर, मैं कंक्लूड कर रही हूँ सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट मनोज कुमार झा, आप समाप्त कीजिए, आपका अब नोट नहीं होगा। श्री